Hello students, now we discuss the topic mineral replenishment. Students, farmers जब किसी field में crop field में जब crops grow करते हैं तो students उस soil की fertility में कमी आती रहती है, उसकी fertility reduce होने लगती है और फर्टिलिटी रिड्यूस होने का मीन्स है उसमें उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो लगातार हम अगर क्रॉप्स ग्रो करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी और इन न्यूट्रिएंट्स को अगर पूरा नहीं किया गया तो प्लांट की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिजीज से बचाव ये सब नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसलिए क्रॉप की अच्छी यील्ड के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए इस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें मिनरल को रिप्लेनिशमेंट करना पड़ता है और ये दो तरीके से कर सकते हैं, बाई एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। जब हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और सॉइल में इनको ऐड करते हैं तभी हमारे जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी पूर्ति हो जाती है और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक हियर, मैन्योर। मैन्योर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो मैन्योर इज पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट से ड्राइव किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स और एनिमल के जो भी वेस्ट होते हैं उन वेस्ट से पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द मैन्योर। स्टूडेंट्स, इट इज़ एडिड टू सॉइल टू रीस्टोर इट्स फर्टिलिटी। और इस मैन्योर का यूज़ सॉइल में किया जाता है जिससे उस सॉइल की फर्टिलिटी रीस्टोर हो जाए और सॉइल में कुछ मिनरल्स ऐड हो जाए। स्टूडेंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। और ये मैन्योर जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो फार्मर्स के घरों में जो कैटल्स होते हैं, पशु होते हैं, उनसे प्रोड्यूस होने वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे काव डंग, बफेलो डंग और प्लांट वेस्ट, प्लांट से भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उस वेस्ट को अगर हम डिकम्पोज करा दें और डिकम्पोज करने के बाद जो हमें मैटर मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड द मैन्योर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हियर आई विल डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर ऐड करने से क्या क्या हमें फ़ायदे मिल सकते हैं, फार्मर्स को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, मैन्योर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। पहला बेनिफिट है कि मैन्योर अगर हम सॉइल में ऐड करते हैं तो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैन्योर सॉइल में जैसे ही ऐड करेंगे तो उस मैन्योर के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। ये न्यूट्रिएंट्स मैन्योर में स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि मैन्योर प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर से ऑर्गेनिक मैटर मिलता है सॉइल को और ये मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोवाइड कराता है उसी को ह्यूमस कहते हैं। और दिस इम्प्रूव फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, जिससे क्या होता है सॉइल का फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूव होता है। इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, अगर सैंडी सॉइल में मैन्योर ऐड किया है स्टूडेंट्स तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। स्टूडेंट्स, इट इम्प्रूव ड्रेनेज एंड एरेशन ऑफ क्ले सॉइल,
और स्टूडेंट्स ये मैन्योर जो होता है वो क्लेई सॉइल, जो क्लेई सॉइल होती है जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, तो क्लेई सॉइल में ड्रेनेज और एरेशन, कहने का मीन्स है क्लेई सॉइल में जो एयर है और स्टूडेंट्स एयर का अमाउंट उसमें सॉइल एयर मेंटेन रहे, इसके लिए मैन्योर बहुत ज़रूरी है। इट प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, और मैन्योर स्टूडेंट्स वाटर लॉगिंग को भी मतलब होने से रोकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मैन्योर प्रोवाइड फूड फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म, मैन्योर से ही सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, अर्थवॉर्म है, इनके लिए ये मैन्योर एक तरीके से फूड का काम करता है। नेक्स्ट है मैन्योर प्रोवाइड स्टिमुलस, मैन्योर से स्टिमुलस भी प्रोवाइड होता है। सर्टेन सबस्टांस प्रेजेंट इन मैन्योर स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन, मैन्योर में कुछ स्पेशल सबस्टांस कुछ ऐसे होते हैं जो सीड के जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट बेनिफिट, मैन्योर प्रोवाइड रिसाइकलिंग, और मैन्योर से क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है, जैसे यूज़ ऑफ मैन्योर हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ फॉर्म वेस्ट, मैन्योर का यूज़ करने से स्टूडेंट क्या होता है, जो फॉर्म के वेस्ट होते हैं जैसे काव डंग, बफेलो डंग, प्लांट वेस्ट, तो ये सब का रिसाइकलिंग हो जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट प्रोवाइड रिडक्शन इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और मैन्योर का यूज़ करने से क्या होता है, एनवायरमेंट में होने वाले पोल्यूशन भी कम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द मैन्योर। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग मैन्योर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।